Hi guys, welcome back to my channel. So today I'll be making this bridal wear illustration. Now quickly moving to the product I've used. All product links are given in the description. You can check them out. Start with the video now. So I've already drawn the illustration including skin rendering, hair and jewelry. The paper I used here is the Brasto watercolor paper, which is 300 GSM cold pressed. मैं usually ये paper most of my illustration मैं use करती हूँ और ये flat tip brush के help से मैं downward to upward direction में paint को apply कर रही हूँ as I want a ombre effect. तो मैं सेम शेड के अलग अलग टोन्स डेवलप करके ओम्ब्रे इफ़ेक्ट करूँगी. बाकी यू कैन यूज़ एनी कलर्स फॉर डूइंग मल्टी कलर्ड और इफ़ यू वांट टू डू अ सिंगल शेड ओम्ब्रे इफ़ेक्ट बाय एक्सपेरिमेंटिंग मोर ऑन टोन्स, डूइंग इट डार्क और अ लाइट बाय एडिंग मोर ब्लैक और वाइट टू द एक्चुअल बेस कलर. So the scarlet red acted as a dark tone. तो light tone के लिए I'll just use a little bit of titanium white. मैं अच्छे से उसे mix करूँगी with the actual base color और apply करूँगी. That fusion of two tones is called as a ombre effect. I recommend you guys to use a flat tip brush for applying and blending. It works as a wonder in this. और मैं यहाँ पे tones पे थोड़ा सा ज़्यादा experiment कर रही थी. और ये मिनीचर ब्रश के हेल्प से मैं लेफ्ट ओवर गैप्स को फिल कर रही थी. और यहाँ पे मुझे थोड़े से हार्शनेस नज़र आ रहे थे सो आई यूज्ड अ फ्लैट टिप ब्रश फॉर ब्लेंडिंग इट. और ये छोटे से फाइन टिप ब्रश के हेल्प से आई वॉज अप्लाइंग दी स्कारलेट रेड शेड. यहाँ पे ब्लाउज के लिए मैं लाइट टोन यूज की हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रेड और मिनीचर ब्रश. आई बी अप्लाइंग दी पेंट. With the help of this flat tip brush, I'll be applying a light tone on the dupatta. Now for the veil, I chose for a dark tone, a scarlet red shade yahan pe use ki hu, and with the help of this small flat tip brush, I'll be applying the paint.
आप पेंटिंग पार्ट इज डन, मूविंग टू द डिटेलिंग पार्ट। तो मैं यहाँ पे स्मॉल पीकॉक शेप डिटेलिंग करूँगी। तो उसके लिए आई चोज अ कोबाल्ट ब्लू शेड। लेटर ऑन हम लोग टाइटेनियम वाइट भी यूज़ करेंगे। तो पहले सी शेप्ड मैं डिटेलिंग करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल फाइन टिप ब्रश फ्रॉम आर्टिस्ट डेन। नेक्स्ट यहाँ पे पीक ऑफ फैदर्स के लिए वही कोबाल्ट ब्लू शेड पे मैं थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करके मिक्स कर ली एंड देन आई यूज्ड इट। और यहाँ पे मैं कुछ कलर्स लेके डॉट वाइज डिटेलिंग करूँगी ऑन दी फेदर्स टू मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल। तो सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी पीकॉक डिटेलिंग्स करूँगी। नेक्स्ट डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे दो टो शेड्स यूज़ की हूँ, टाइटेनियम वाइट एंड येलो ऑकर। आई मिक्स दोज टू कलर्स प्रॉपरली एंड गॉट दिस शेड। और यहाँ पे मैं वही फाइन टिप ब्रश के हेल्प से डैबिंग टाइप की डिटेलिंग करूँगी। मेरे डिटेलिंग्स कभी इतने प्रॉपर नहीं होते बट फिर भी इट लुक्स रियली आई कैचिंग इज़न्ट इट।
I know the detailings look really improper, but my main motto was to focus on the peacock detailing. बाकी जो इतने बड़े बड़े gaps थे उसे fill करना तो ज़रूरी है, उसके लिए I'm just doing all these things. और मैं कहीं से भी reference नहीं ले रही थी. और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा रेड ग्रीन शेड भी यूज़ की हूँ ताकि थोड़ा सा आई कैची लगे. Okay, now for the folds, I'll be using diluted burnt sienna. और दो ब्रश मैं यूज़ की हूँ यहाँ पे, वन फॉर अप्लाइंग द पेंट एंड सेकेंड वन इज़ फ्लैट टिप ब्रश फॉर ब्लेंडिंग द कलर.
और जिन लोगों को पता नहीं डाइल्यूटेड क्या होता है, जस्ट सिंपली एड वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू द कलॉइड बिकम्स डाइल्यूटेड। और एज दिस वन इज लुक्स लाइक अ बॉल स्कर्ट लहंगा, तो हम स्लाइट फोल्ड्स ही दिखाएंगे, ज़्यादा हम लोग को यू नो डिस्टिंक्टली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। एंड या लास्ट आई बी यूजिंग दिस गांसाई तांबी स्टैरी कलर्स, शेड्स मैं मेंशन करूँगी ऑन स्क्रीन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। और इसे आपको हमेशा लास्ट में यूज़ करना है क्योंकि ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्लिटर पेन या मेटैलिक पेन भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये इलास्ट्रेशन पसंद आया हो। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून विद द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।